बाढ़ के बाद किसान दाने दाने को मोहताज हैं। यहां तबाही ऐसी हुई है कि सरकार की राहत राशि नाकाफी साबित हो रही है। एक खास रिपोर्ट देखिए आप हमारी। खेत डूबे, खलिहान डूबे, डूबा घर और द्वार, जल प्रलय से चारों तरफ मचा हाहाकार। कटिहार जिले में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। जहां फसलें लहलहाती थी वहां नाव चल रही हैं। जिन फसलों की हरियाली देखते बनती थी आज वो पानी के मार के चलते मुरझा चुकी हैं। लोगों के घर बह गए, चूल्हा चौका डूब गया। बाढ़ पीड़ितों ने घर बार छोड़कर सड़कों पर शरण ले ली। लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। ऐसे में लोग सरकार की ओर मदद की टकटकी लगाए बैठे थे, लेकिन वो उम्मीद भी मुआवजा मिलते ही टूट गई। सोमवार को ही राज्य सरकार ने मुआवजे की रकम ट्रांसफर की, लेकिन वो रकम नुकसान के मुकाबले ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन साबित हुई। बाढ़ पीड़ितों ने सरकार से पूछा, इतने में नहाए क्या और निचोड़े क्या? बार बार बारह के कारण साल में 3 बार आता है, तो सरकार बोलता है 6,000 ले लो, 6,000 में हम लोग का क्या होगा? इतना पैसा हम लोग का नुकसान हो रहा है, साल में 3-3 बार नुकसान हो रहा है, तो इसके लिए क्या होगा? किसान ऐसे नहीं जिएगा। राना का घर नहीं है, पानी बहुत बेलाग पानी है, अपना घर में कादा हो गया, बच्चा भी बीमार है, हम लोग भी बीमार है, चूल्हा चाकी में पानी हो गया, हम लोग कैसे बचेंगे? हम लोग का मट्टी का घर है, सब घर पड़ गया, अभी तो कोई चीज नहीं भेजेगा, कोई चीज भूख से मर जाएंगे हम लोग पीने से आता नहीं है पानी में, कैसे आएंगे ये पर? इधर जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है कि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है और सरकार की ओर से दी जाने वाली राशि दी जा चुकी है। हमारे अनुमंडल अंतर्गत अहमदाबाद प्रखंड में 39,608 लोगों को एवं मनिहारी प्रखंड अंतर्गत 27,692 लोगों को जीआर राशि दी जा चुकी है और मनिहारी प्रखंड के अंतर्गत शेष लोगों को देने की प्रक्रियाधीन कार्रवाई की जा रही है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इन जरूरतमंदों की समस्याओं को कब तक सुलझा पाता है और इन्हें माकूल मदद मुहैया करा पाता है या फिर नहीं। कटिहार से राजीव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जीमी।